नमस्कार। आज का दिन शुक्रवार है, फ्राइडे, तो लेट्स सी फ्राइडे के लिए हमारी क्या गाइडेंस है। सो द गाइडेंस इज द एम्परर। सो वेरी नाइस कार्ड, वेरी वाइब्रेंट कार्ड, विच सेज कि जो जो चीज़ें हम लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसके लिए हमारे कहाँ से लेजीनेस आ रही है और कहाँ पे डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है, कि एनर्जी लीकेज कहाँ हो रही है। तो आज उसको सोचने की ज़रूरत है और फिर उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ। और वैसे भी रेड कलर है तो रूट चक्रा पे काम किया जा सकता है। तो आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। तो हम शुरुआत करते हैं एरीज के साथ। तो एरीज के लिए सेवन ऑफ पेंटिकल्स है, विच मीन्स कि आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए अप्रिसिएशन मिल रही है, बहुत सी चीज़ों के लिए आप हैप्पी भी फील कर रहे हैं। तो अब आगे कहाँ जाना है अपने आप को एक्सेप्ट करके और फिर अपने आगे की स्ट्रैटेजी पे गोल्स बनाने की अब ज़रूरत है। नेक्स्ट इज टॉरस। टॉरस के लिए है किंग ऑफ पेंटिकल्स। अगेन इट इज़ अ वेरी गुड कार्ड। तो बट इसमें, इस कार्ड के अंदर एक आज ये गाइडेंस है कि आप हर किसी को प्लीज नहीं कर सकते। यू कैन प्लीज ओनली एंड फ्यू पीपल। तो जहाँ नो बोलने की ज़रूरत है वहाँ नो बोलिए, जहाँ येस बोलने की ज़रूरत है वहाँ येस बोलिए। नेक्स्ट इज जेमिनाई। जेमिनाई के लिए एडवाइस है एट ऑफ कप्स, विच मीन्स कि जो भी चीज़ें कॉन्फिडेंस से करेंगे आप उसको अचीव करेंगे। जिस चीज़ों में आप देख रहे हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अगर वो स्किल है, कोई चीज़ ऐसी है जो आपको सीखने की ज़रूरत है, तो पहले उस पर काम करिए और फिर एक्शन करिए। नेक्स्ट इज कैंसर। कैंसर के लिए एडवाइस है किंग ऑफ कप्स, विच मीन्स डिसाइड। आज डिसाइड करने का दिन है कि आपको आगे क्या करना है, या कोई पुराने आपके ऐसे चीज़ें रखी हुई हैं जिन पे आपने डिसाइड नहीं करा है, उसको आज उस पर निर्णय लेने का दिन है। नेक्स्ट इज लियो। लियो के लिए एस ऑफ कप्स है, विच मीन्स कि यू आर फीलिंग नाइस, यू आर फीलिंग लव्ड, यू आर हैप्पी। प्रॉब्ली आप अपने जहाँ पे हैं, बेस जो आपका है, आपको अच्छा लग रहा है वापस आने के बाद। सो टुडे इज़ अ डे टू इन्जॉय योर डे। नेक्स्ट इज वर्गो। वर्गो के लिए एडवाइस है थ्री ऑफ वैंस, विच मीन्स कि जहाँ भी आप जा रहे हैं आप अपने आप के साथ जेंटल फील करिए। नई राह है, नए लोग हैं, नई चीज़ें मिलेंगी, तो उसको अपनाने की कोशिश करिए और एक्शन करने की कोशिश करिए कि आप चाहते क्या हैं तो वही आपको मिले। नेक्स्ट इज लीब्रा। लीब्रा के लिए एडवाइस ये है कि जहाँ पे भी आप हैं आपको अच्छा लग रहा है, समथिंग बिगर इज़ ऑन द वे। आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। हो सकता है जो आपको बहुत स्पेशल पर्सन है वो आपको मिलने के लिए आए या आप उनको मिलने के लिए जाएँ। लव इज़ ऑल अराउंड, सो इन्जॉय। नेक्स्ट इज स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए एडवाइस ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, विच मीन्स कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करिए। आप बहुत यूनिक हैं, बहुत अच्छे हैं, अपने अंदर बिलीव करिए। कभी कभी अपने अंदर जब हम दूसरों को बताना नहीं चाहते कि हम कैसे, तो वो ठीक है, लेकिन अपने अंदर ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि मैं ख़राब हूँ। आप अपने आप को कल से कंपेयर करिए, दूसरों से कंपेयर मत करिए। नेक्स्ट इज सजिटेरियस। सजिटेरियस के लिए एडवाइस है कि द हैंग मैन, विच मीन्स कि हो सकता है कि पुरानी जगहों पे आपने देखा हो कि मेरी चीज़ें नहीं हुई हैं, लेकिन आप अगर प्रेजेंट में सोच के कि कौन सी चीज़ें आप चाहते हैं कि वो हों, आप वो एनर्जी अपने प्रेजेंट को देंगे तो काम होंगे। पुरानी चीज़ों से कंपेयर मत करिए, नए प्रेजेंट को नई एनर्जी दीजिए। नेक्स्ट इज कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न्स के लिए टेन ऑफ पेंटिकल्स है, विच मीन्स यू आर फीलिंग नाइस, यू फीलिंग हैप्पी, यू फीलिंग गुड। सो नरिश योर सेल्फ। जो जो चीज़ें आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अच्छी हैं, बढ़िया हैं, अगर आपके आसपास लोगों को आप बताना चाहते हैं, बिलीव इन दैट, पोर्ट्रे दैट। जैसे ही आप पोर्ट्रे करेंगे वैसे ही आपको लोग ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट इज एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए द टॉवर है, विच मीन्स कि ईगो से कोई काम मत करिए। जो चीज़ें आप ईगो से करेंगे वो चीज़ें खराब हो जाएंगी, उन चीज़ों को आप बचा नहीं पाएंगे। तो अपनी ईगो को मारना अच्छा है, सेल्फ स्टीम से काम करना अच्छा है। नेक्स्ट इज स्पाइसेस। स्पाइसेस के लिए एडवाइस है द लवर्स, विच मीन्स कि आप जो चीज़ें अचीव करना चाहते हैं उसको करिए, अपने फियर्स को फेस करिए, लोगों से भागिए मत, लोगों से मिलिए, उनको एम्ब्रेस कीजिए, तभी आपकी लाइफ में कुछ चेंज आएगा। तो मैं आशा करती हूँ आप सबका दिन बहुत अच्छा रहेगा। हैव अ ब्लेस्ड डे। नमस्कार।